और अभी भी नेता परिपक्व नहीं है उसका पैमाना राहुल गांधी है। वो उनकी गाड़ी पटरी पर दौड़ते दौड़ते कब पटरी से उतर जाए, और वो जो राहुल गांधी का बयान है वो पटरी से उतरने वाला ही बयान है। लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के नाते अच्छा भाषण दिया पर एक कमी छोड़ दी, यानी एक पूरी कम्युनिटी को कोई व्यक्ति ऐसे कैसे टारगेट कर सकता है। या तो उनके भाषण लिखने वाला कोई गलत व्यक्ति बैठा है, उनको उसके बारे में दुरुस्त करना चाहिए। आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए कह सकते हो, किसी समाज विशेष के लिए कह सकते हो, किसी दल विशेष के लिए कह सकते हो। पूरे हिंदू समाज को हिंदू हिंदू कहना और ये हिंसक बोलना कि हिंसा करते हैं, मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हाथ है कि कहीं राहुल गांधी जो लगातार चीन से बराबर वार्तालाप करते हैं दूरभाष पर, उसका नतीजा तो नहीं है। इस तरीके का बयान कोई अपरिपक्व राजनेता ही दे सकता है। सर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, देश के लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि भारत का लोकतंत्र परिपक्व हो गया, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां परिपक्व हो गई, इस चीज़ का कोई परीक्षण का कोई पैमाना नहीं है। नेता परिपक्व हो गए इसका कोई पैमाना नहीं है। आपकी परिभाषा है, वसुंधरा राजे जी वाजपेयी सरकार में केंद्र में मंत्री रही हैं, वो लोकसभा और विधानसभा में अनेक बार सदस्य रही हैं, दो बार मुख्यमंत्री रही हैं, और इसलिए उसको आप इग्नोरेंस कहेंगे तो फिर कोई डेफिनेशन नहीं होगी। और ये डेफिनेशन 2024 जो आपने इलेक्शन लड़ा 25 सीटों पर, पार्टी किसी को भी कैंडिडेट ने इनवाइट नहीं किया कि वसुंधरा राजे को कहीं आपने स्टार प्रचारक में रखा, ना वसुंधरा राजे किसी पे गई, सिर्फ झालावाड़ को लज के रह गई, तो इग्नोरिंग तो है सर। ये आपकी डेफिनेशन है, वो झालावाड़ में पूरे समय काम कर रही थी और झालावाड़ के आसपास की सीटों में जहाँ उनको समय मिला वो गई हैं। वो राष्ट्र की उपाध्यक्ष हैं और इतने लाखों करोड़ों लोगों में और चंद लोगों में शुमार होना ये कोई कम सम्मान नहीं है। आज ये विषाद तो मेरे मन में भी हो सकता है, लेकिन पार्टी ने मुझे एक प्रदेश की भूमिका दी है तो सोच समझ के ही दी है। अब मैं उसमें से ये निराशा व्यक्त करूं कि मुझे पार्टी ने राजस्थान में क्यों कुछ नहीं दिया, तो ये मायने नहीं रखता है। जब हमने पार्टी को अपना लिया तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक पार्टी जो भूमिका दे वो हम लोग सहर स्वीकार करते हैं और उसमें काम करते हैं। अगला कोई बोले ये आप सर्वसम्मति से आपको तय किया कि उन्होंने प्रेस किया। मेरा एक सवाल है, ये बात में कर लेंगे। 2024 का जो आपका इलेक्शन हुआ, 23 में जो इलेक्शन हुआ, बाड़मेर ने जो आपको मैंडेट दिया, जब आपको लग रहा था कि कैंडिडेट जो है आपके सामने प्रियंका चौधरी बहुत स्ट्रांग है, फिर उनका टिकट काटना और फिर वो उनका जीत जाना जनता ने, तो जनमत तो ये था कि प्रियंका चौधरी एक नेता थी तो उनको क्यों इग्नोर किया। तो आप प्रियंका जी की पैरवी कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। मैं किसी की पैर, मेरा काम नहीं है सर ये। देखिए ये जो आपके सवाल हैं वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन राजनीति में पद की, टिकट की और महत्वाकांक्षाओं की कोई सेट फिनोमेना नहीं है और न ये कोई फंडामेंटल अधिकार है। मैं भी इन परिस्थितियों से गुजरा हूँ तो इसलिए मैं पार्टी पर ये एलिगेट नहीं करता पार्टी को कि भाई मुझे ये क्यों नहीं दिया। जब हमने पार्टी को अपना लिया और पार्टी के डिसिप्लिन का हमने कमिटमेंट ले लिया, हमारे यहाँ जब मेंबर बनता है उसको हालांकि कम लोग पढ़ते हैं, उसके पर्ची के पीछे 5 निष्ठाएं लिखी होती हैं, उसमें कमिटमेंट होता है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कि मैं पार्टी के निर्णय का, पार्टी के अनुशासन का पालन करूँगा, एक सामान्य सी बात है। और इसलिए राजनीति की, राजनीति में टिकट की, राजनीति में पद की, राजनीति में संभावनाओं की कोई भी सेट फिनोमेना नहीं है। ये अवसरों के उपलब्धता के आधार पर और उस समय की परिस्थितियों के आधार पर निर्भर करता है। और ये क्लेम तो कोई नहीं करता, हम कभी नहीं कहा कि 200 के 200 जीतेंगे। पार्टी जीतने के लिए लड़ती है, कई जगह हम हारते भी हैं, उन हार के कारणों का विश्लेषण भी करते हैं, उससे सबक भी लेते हैं। हम बहुत बार जीते भी हैं, बहुत बार हारे भी हैं। मैंने जनसंघ की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया तो जीत तो दिवास्वप्न जैसी थी, लेकिन हम जीते हैं तो खूबियों के आधार पर जीते हैं और हारे हैं तो कहीं ना कहीं कोई प्रबंधन की या दूसरे किस्म की कमियां रही होंगी। इसलिए पार्टी व्यक्ति परक नहीं है, पार्टी एक समूह है और सामूहिक रूप से निर्णय होता है, उसमें किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, परिस्थितियों से रिलेटेड भी हैं, तात्कालिक परिस्थितियों से भी हैं।